लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में ऑटो एनालाइजर मशीन का रिजेंट आ जाने से मशीन ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है। इससे मरीजों की विभिन्न जांच की रिपोर्ट तुरंत मिलने लगी है। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल सुपेला में उपलब्ध ऑटो एनालाइजर मशीन का रिजेंट खत्म हो जाने की वजह से यहां आए मरीजों की विभिन्न जांच प्रभावित हो रही थी और जांच रिपोर्ट के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा था। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र द्वारा इस संबंध में CHMO से शिकायत की गई थी। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर के प्रयासों से शासन से रिजेंट प्राप्त हो गया है। अब मरीजों की विभिन्न जांच रिपोर्ट तुरंत दी जा रही है। समय रहते रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से मरीजों का उपचार भी संभव हो पा रहा है। इसकी जानकारी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने। ये भी ऑटो एनालाइजर का जो रिजेंट जो है शासन से प्राप्त हो गई है और इंजीनियर भी आके मशीन को कैलिब्रेट करके चले गए हैं। अब मशीन चालू है, सब मरीजों का जांच किया जा रहा है। अभी जो ये जांच जो जल्दी हो जाएगा, बहुत सारी जांच जो है मुफ्त में सब मरीजों को सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि ऑटो एनालाइजर मशीन का रिजेंट खत्म हो जाने से मरीजों को काफी परेशान होना पड़ रहा था। केवल कुछ जांचों को छोड़कर सभी जांच प्रभावित हो रही थी। अब रिजेंट उपलब्ध हो जाने से जांच रिपोर्ट तत्काल प्रदान की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।